फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एसोसिएशन की ओर से जिलाधीश संयम अग्रवाल को एक मांग पत्र देते हुए उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार 10 पॉलिसी स्कूल खोलने की अनुमति दे। उन्होंने कहा कि ये सरकारी हिदायतों का पालन भी करेंगे और बच्चों की सुरक्षा भी करेंगे, लेकिन उन्हें स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि पिछले साल से विद्यार्थी घरों पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके चलते उनके शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, आंखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है और बच्चे सारा दिन मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं और अभिभावक भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, कक्षा में बैठकर पढ़ें। इस मौके पर जिलाधीश संयम अग्रवाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे उनकी इस मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। आज हम लोग पठानकोट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की तरफ से डीसी ऑफिस आए थे। यहाँ पर हमने डीसी सर से मुलाकात की, हमारे सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ने, एंड हमने एक मेमोरेंडम उनको दिया है। इस मेमोरेंडम में हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ वो स्कूल्स खोलें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस अब वो फ़ायदा नहीं दे रही हैं। कोविड का टाइम जो था उसमें सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे, बट हम लोग आगे भी ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। एंड सभी प्राइवेट स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो यहाँ पर थे, तो हमारी रिक्वेस्ट है, डीसी सर ने हमसे वादा भी किया है कि वो पॉजिटिवली इसका रिस्पॉन्स देंगे, तो वी आर होपिंग कि जल्दी ही कुछ अच्छी न्यूज़ भी हमें मिलेगी। मेरा नाम गौरव गुप्ता है। हम आज सारे प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे डीसी ऑफिस में आए हैं, एंड हमारी एक कॉमन रिक्वेस्ट है जो कि हमें पेरेंट्स भी स्कूल्स में आके बोल रहे हैं, बिकॉज़ उनके बच्चों की हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है, आई साइट्स पे बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है, और ये सारी जो रिक्वेस्ट हैं हमने एक मेमोरेंडम के थ्रू डीसी साहब को दी हैं। उन्होंने बहुत पेशेंटली हमारी बात सुनी है, एंड उन्होंने बोला कि वो हमारे स्कूल्स का जो पक्ष है वो आगे होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड चीफ मिनिस्ट्री कैप्टन साहब तक पहुंचाएंगे और जल्दी से जल्दी इसका कोई सलूशन निकलेगा। 10th तक उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला है, आफ्टर दैट जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो हमें कन्वे कर दी जाएंगी, बट एज ऑफ नाउ बहुत अच्छा। स्कूल खुले थे तो कोई भी प्राइवेट स्कूल में एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपनी जो इतिहाद है वो बखूबी निभा रहे हैं। सब ने, इवन मैनेजमेंट्स आर ऑन द हेड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट, कि वो खड़े रहते हैं कि कोई प्रोटोकॉल वायलेशन तो नहीं हो रही, सैनिटाइजेशन प्रॉपर हो रही है। दैट इज़ द रीज़न कि कोई भी प्राइवेट स्कूल से कोई केस नहीं आया, और हम आगे भी जो भी गाइडलाइंस, चाहे वो हमें 50% ऑक्यूपेंसी के लिए बोलें, चाहे वो हमें बोलें कि आप किसी तरह भी बच्चों को इन्वॉल्व रखो एजुकेशन में, हम वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ वी जस्ट रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट कि प्राइवेट स्कूल्स चाहते हैं कि स्कूल्स किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके एनी प्रोटोकॉल से वो खोले जाए। आज हम डीसी ऑफिस में आए हैं अपने स्कूल के जो बंद हुए हैं उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीसी साहब से कि स्कूल जो है रेगुलर किए जाएं, ताकि जो बच्चों का और पेरेंट्स का सबका नुकसान हो रहा है वो ठीक किया जा सके, ताकि बच्चे भी अपने जो स्कूल इतने दिन से बंद पड़े हुए हैं वो स्कूल खुलें। तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स दिया, कहते हमारी मीटिंग भी चलते, सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ मैं भी, तो हो सकता है थोड़े दिनों में इसी मंथ में स्कूल खुलने के चांसेस हैं। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।